सहकारी समिति के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, वहीं किसान पंजीयन के लिए हो रहे हैं परेशान। भोपाल महासंघ के आह्वान पर सहकारी समितियों के कर्मचारी कलमबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। सेगांव विकास खंड की पांचों आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी के हड़ताल पर होने से समितियों में ताले लगे हैं, जिससे किसानों का गेहूं का पंजीयन नहीं हो पा रहा है। जबकि पंजीयन की अंतिम तारीख 20 फरवरी। समिति के कर्मचारी दीपक मल्लोई ने बताया कि हमारी मांगे 18 फरवरी तक नहीं मानी गई तो महासंघ के आह्वान पर हम पूरे प्रदेश के 55,000 कर्मचारी भोपाल जाकर सीएम आवास का घेराव करके सामूहिक इस्तीफे सौंपेंगे। वहीं 19 फरवरी को भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर चक्का जाम व इच्छा मृत्यु की मांग की जाएगी। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। हड़ताल रखी गई है, आदिम जाति समिति संस्था के सभी कर्मचारियों ने अनिश्चित हड़ताल रखी है। किनके आह्वान पर? भोपाल महासंघ के आह्वान। कब तक रहेगी हड़ताल? अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। जब तक क्या नाम लिखता? दीपक मंडलोई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।